से मतलब ऊपर की ओर जाता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी कोई नाड़ी बनी नहीं है जिससे हमारा वीर्य उधर्गामी हो। होता क्या है, जो काम केंद्र को प्रभावित करने वाली विद्युत शक्ति, जो चुंबकीय शक्ति होती है, यानी उसको प्राण भी बोल सकते हैं, तो दोस्तों वो उधर्गामी होता है, ना कि वीर्य। तो आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि उधर्गामी कैसे होगा। तो अपनी जो विद्युत शक्ति है, जो चुंबकीय शक्ति है, बोले तो जो हमारे प्राण है, वो ऊपर वाले केंद्र में कैसे हम रखें, नाभि से ऊपर कैसे रखें, उसके सिंपल तरीके यही है कि आप योगासन करिए, प्राणायाम करिए, जो सत साहित्य है उसको पढ़िए, और अपने जो विचार है उसको पवित्र रखिए, अच्छा खाना पीना खाइए, यानी सात्विक जो भोजन है उसको ग्रहण करिए, तो आपके प्राण हमेशा ऊपर ही रहेंगे, नाभि से ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने सिंपल तरीके से बताया, और ये जो डाउट था, ये मेरे एक सब्सक्राइबर, जो मेरे फॉलोवर है यूट्यूब पे, तो उन्होंने कमेंट किया था एक वीडियो पे, जिसमें मैंने बताया था कि वीर्य बनने का कौन कौन सी स्टेज होती है, तो दोस्तों वीर्य की रक्षा कैसे करें, मतलब इसी पे टॉपिक था। तो उन्होंने कमेंट किया था, तो बंदे ने पूछा था कि हम आप मतलब जो वीर्य के उदरगमन पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा कि जो वीर्य होता है वो कभी ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि ऐसी कोई नाड़ी नहीं होती है। ठीक है, और अगर उदरगामी होता है तो सिर्फ उसको प्रभावित करने वाली जो शक्ति होती है, उस शक्ति को उदरगामी करने का मैं तरीका आपको बता दिया है, सात्विक भोजन, सत्संग, भजन, हरि नाम, मतलब। ठीक है, तो दोस्तों यही चीजें हैं, इससे आपका जो काम काम केंद्र प्रभावित नहीं होगा। और अगर आप जो चीजें नहीं देखनी चाहिए, यानी आप गंदी चीजें देख रहे हो, गंदी चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है, तड़क भड़क चीजें, आप समझ रहे हो कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है, वो चीजें देख रहे हो, तो क्या होगा, यहां से सीधा सिग्नल जाएगा काम शक्ति को, बोले तो चुंबकीय शक्ति, विद्युत शक्ति, प्राण शक्ति, ठीक है, तो वो उसको प्रभावित करेगी, और हमारे जो काम शक्ति है, यहां से सिग्नल जाते ही वो नीचे की तरफ जाएगी, काम केंद्र को प्रभावित करेगी, वीर्य का पतन होगा, वीर्य नष्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है। नमस्कार, जय श्री राम।